YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उमरा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उमरा प्लस होली लैंड पैकेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आते हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बोरा बंडे के पास है, क्योंकि आज की हमारी ये खबर एक माँ की ममता को लेकर है, क्योंकि इस मरहूम की वालदा का ये कहना है कि इनके बेटे की मौत एक हादसे की वजह से नहीं बल्कि इसका कत्ल हुआ है। तफसीलात हम आपको बताते चले, इनका एक बेटा था जो कि किसी लड़की से मोहब्बत ये किया करता था। उस लड़की ने जो है आधी रात को यानी लगभग 2 बजे रात को इस लड़के को कॉल किया और पिज्जा खाने की फरमाइश की। अब आशिक है भाई, माशुका के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये पिज्जा लेकर जैसा ही घर पे पहुंचता है, मुबैना तौर पर यूं सुनने में आ रहा है कि एक घर से दूसरे घर कर मुबैना तौर पर यूं सुनने में आ रहा है कि एक घर से दूसरे घर पर कूदने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान गिरकर इसकी मौत हो गई। वहीं पर वालदा का ये कहना था कि इसके वालिद ने यानी लड़की के वालिद ने इसको देख लिया था, उसके बाद इसको ऊपर से नीचे फेंक दिए, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई। पिज्जा लेकर गए थे मरहूम साहब, अगर 16-17 सितारे संग ले जाते तो शायद बच जाते, लेकिन पिज्जा देखिए एक आशिक की मौत की वजह बन गई है। तो बहरहाल मरहूम के वालदा क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन सच न्यूज़ में मैं मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि सभी को पता है कि संडे के दिन सुबह सुबह एक शोएब 22 साल नौजवान लड़के जो छत पे से गिर गया बल्कि इतला थी, मगर उनके वालिद शौकत साहब मेरे साथ हैं, जिनको डॉट ये भी है कि लड़की के वालिद ने उसको ढकल के मार के कत्ल किया गया। तो आइए हम शौकत साहब से कुछ बात करते हैं, ये केस के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। शौकत साहब बताइए क्या हुआ था वाकया और बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद शोएब था बच्चे का नाम, मेरा नाम शौकत है, बच्चे का नाम मोहम्मद शोएब था। मैं हैदराबाद में काम कर रहा था, मेरे को फ़ोन आया कि ऐसी बात ऐसी है, बच्चा गिर गया छत के ऊपर से, बोल के मालूम हुआ तो मैं क्या करा, फ़ौरन आ गया, अभी तक क्या है मालूम है, देखा तो मेरे बच्चे की जान तो चले गई मेरे, वो मेरे बच्चा तो गिरने वालों में से नहीं है, मेरे बच्चे को ऊपर से ढकल दिए, बुलाए मेरे बच्चे को, वो बच्ची के चैटिंग उटिंग है, वो बच्ची का नाम कुछ जोया बोल के है, वो हमारे को पता भी नहीं है वो बच्ची है, मेरा बच्चा इतना भी बड़ा काम कर सकता है, मेरा बच्चा इतना बड़ा काम करता है बोल के मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मेरा बच्चा कर भी नहीं सकता मेरा बच्चा ये काम, मेरे बच्चे को बुला के प्लानिंग के साथ मेरे बच्चे को मार दिए सो है, मेरे बच्चे को मार दिए, मेरे बच्चे को ढकल दिए ऊपर से, मेरे को इंसाफ होना है मेरे को। बस मेरे को ये बोलिए ये वाकया कहाँ पर हुआ, कौन सा एरिया है? SRT नगर पर हुआ है, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो SRT नगर गली में हुआ है, बच्चे को कहीं जख्म नहीं है, सिर्फ हाथ को मार लगे हुआ है खाली बच्चे को। तो आपको किसके ऊपर शक है, उनका नाम क्या है? उनके वालिद साहब, उनका खानदान के ऊपर ही शक है मेरे को, तो अभी तो वालिद साहब हो को ही होंगे, मगर उनका खानदान क्या है नहीं मालूम हमारे को, वालिद साहब के ऊपर तो डाउट है, वो भेजा के वो कुछ वीडियो कुछ भेजे है, भाई बच्चा फिजा लेके गया करते, वो खाए करते, खाली देख के डरा, डरने वालों में से नहीं है मेरा बच्चा, डरने वालों में से नहीं है, 2 जनों को तो संभालने की 3-4 जन संभालने की कैपेसिटी है मेरे बच्चे के पास, मेरा बच्चा तो गिरने वाला नहीं है, मेरे बच्चे को प्लानिंग के साथ बुला के मारे सो है बच्चे को, 2 बजे रात को घर में सो बच्चा कैसा उठ के जाता, चैटिंग करे सो बच्ची, वो जोया नाम की बच्ची है, वो बच्ची चैटिंग करे सो, मेरे पास हाई सबूत भी है, वो हर सबूत के साथ मैं हूँ यहाँ पर, मेरे को इंसाफ होना है मेरे को। तो थाने में आप इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें आप? जी हाँ, कंप्लेंट करा हूँ मैं। कंप्लेंट करें जी। तो पुलिस का कुछ कहना है आपके? ये जो पोस्टमार्टम हुआ ना, वो आई बात करेंगे आपकी कार्रवाई बोल के बोले हमारे को, तो हम खामोश बैठे हुए हैं, हम उतना ही इंसाफ के लिए देख रहे हैं, इंसाफ होना है मेरे को बस। ये जो वाकया हुआ है, तो कभी जैसा कि लोग बोलते हैं कि शोएब उनसे बात करते थे या चैटिंग करते थे, ऐसा कुछ आपको डाउट? नहीं, ऐसा डाउट कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक बार फ़ोन लेके बैठी थी तो वो बच्ची हाय हेलो बोल के मैसेज कर रही थी मेरे को, तो मैं शोएब है समझ के मैं बात करी, और मैं लास्ट में बात हद से ज़्यादा बढ़ रही, और शोएब बर्गर पिज़्ज़ा लेके बोल के वो जोया बोली, तो मैं बोली कि तेरे को तेरे अम्मा बाप कैसी तरबियत दिए, तू घर बैठे ऐसे काम कर रही क्या बोल के मैं बच्ची को डांटी, वो तो इंग्लिश में बोल रही, बच्ची तुम्हारी लैंग्वेज सीधी करो बोल रही, तो मैं क्या बोली, तू मुसलमान है ना, ऐसे काम नहीं करती, मेरा बच्चा शोएब हाफिज़ है, छोटी उम्र का बच्चा है, ऐसे काम नहीं करते, अगर
इज्जत रख लेना चाह रही तो इज्जत रख ले, तो खामोश घर में बैठ जा, नहीं तो मैं इज्जत निकालती तेरी, बोले तो सॉरी आंटी मैच मैसेज करी थी शोएब को, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से नहीं करती, बोली बच्ची वो। फिर दूसरे दिन फिर ये काम करके मेरे बच्चे को घर से बुला के, मेरा बच्चा खाना खा के सो गए, सो बच्चे को बुला के मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे को भी जान को जान होना, मेरे बच्चे की जान कैसा ली, मेरी भी जान होना है, चाहे कोई भी हो मेरी जान बच्चे की, मेरे को इंसाफ होना है मेरे बच्चे का इंसाफ। जब बच्ची से आप बात करें तो उसके बाद में उनके घर वालों को कुछ इत्तला करने की कोशिश करें? नहीं करे, हमारे इसमें हम लोग नहीं थे, हम लोग नहीं करे, अब करे तो पुलिस वाले दूसरी अफवाह फैला रहे हैं, उन लोग शेयर चैट पे अलग अलग डाले उन्होंने मेरे बच्चे का, गलत फहमी डाले, पिज्जा बर्गर लेके गया बच्चा डर के गिर गया बोल के डाले, ऐसा काम मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा हाफिज था, ऐसा काम कर ही नहीं सकता मेरा बच्चा, पूरी साजिश करे मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए, पूरा करे उन लोग प्लान करके करे मेरे बच्चे। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उमरा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उमरा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उमरा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मजारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।